चैप्टर फिफ्टीन स्टेटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी का कई ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज है इसको हम करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट का ए पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन हमने ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ये हमने टिक करना है इसको ए सर्वे ऑफ हंड्रेड पीपल फाउंड द ट्वेंटी ऑफ दैम प्लेड बैडमिंटन हंड्रेड पीपल हैं और हंड्रेड पीपल में से जो बैडमिंटन खेलते हैं वो कितने हैं ट्वेंटी हैं ये क्वेश्चन में हमें गिवन है इन्हें पाई चार्ट अब ये पाई चार्ट की बात कर रहा है व्हाट वुड बी सेक्टर एंगल ऑफ दिस ग्रुप इस ग्रुप का सेक्टर एंगल क्या होगा यानी कि जो भी बैडमिंटन लोग खेलते हैं उसका सेक्टर एंगल क्या होगा तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को इसके आंसर दे हैं ट्वेंटी डिग्री थर्टी डिग्री सेवेंटी टू डिग्री और टू हंड्रेड डिग्री यानी कि जो बैडमिंटन खेलते हैं लोग उसका हमने सेक्टर एंगल बताना है तो हमें जो चीज़ गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे हमने लिख लिया टोटल नंबर ऑफ़ पीपल लोग कितने हैं टोटल हंड्रेड उनमें से हंड्रेड में से कितने लोग बैडमिंटन खेलते हैं नंबर ऑफ पीपल हु प्लेड बैडमिंटन ट्वेंटी लोग उसमें से पीपल क्या करते हैं बैडमिंटन खेलते हैं अब आ गया सेक्टर एंगल ऑफ दिस ग्रुप अब इसी बैडमिंटन जो खेलने वाला है उसको हमने पाई चार्ट में दिखाना है आपको पता है ना पाई चार्ट ऐसे होता है सर्कल में दिखाते हैं ऐसे और इसका जो सेंट्रल एंगल होता है वो ट्वेंटी वो कितना होता है थ्री सिक्सटी डिग्री होता है ठीक है तो क्या करेंगे हम कैसे इसका सेक्टर एंगल बनाएंगे इसको बैडमिंटन के तो सेक्टर एंगल ऑफ दिस ग्रुप इस ग्रुप का सेक्टर एंगल क्या होगा आप देखो टोटल में से ट्वेंटी खेल रहे हैं बैडमिंटन तो ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड हो जाएगा ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड और मल्टीप्लाई क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है चार्ट में थ्री सिक्सटी डिग्री का होता है तो इसको थ्री सिक्सटी से कर देंगे मल्टीप्लाई ट्वेंटी आउट ऑफ हंड्रेड मल्टीप्लाई थ्री सिक्सटी ट्वेंटी बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई थ्री सिक्सटी अब इसको हमने ऐसे कर लिया अब ये सेक्टर एंगल में इसकी कटिंग कर लेंगे हम वन जीरो से वन ज़ीरो कट वन जीरो से वन ज़ीरो कट थर्ट, 32 थर्टी टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे 72 टू डिग्री यानी कि जो इसका सेक्टर एंगल आया बैडमिंटन खेलने वाले लोगों का वो आया हमारे पास सेवेंटी टू डिग्री ईजी क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है फर्स्ट uh, के एक अभी पार्ट है रिप्रेजेंटिंग डाटा ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स विच नो गैप बिटवीन द सक्सेसिव रेक्टेंगल इज कॉल्ड अब क्या है अभी डाटा को हमने कैसे दिखाना है ग्राफ में दिखाना है और इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल की फॉर्म में दिखा रहे हैं और उन रेक्टेंगल के बीच में कोई भी गैप नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे बार ग्राफ बोलेंगे ए, हिस्टोग्राफ बोलेंगे पाई चार्ट बोलेंगे या हिस्टोग्राम बोलेंगे तो आप, आपने देखा होगा कि कैसे एक हिस्टोग्राम कैसा होता है मैं आपको तो फिर भी एक बार दिखा देता हूँ जैसे ये हमारे पास क्या है हिस्टोग्राम है इसमें क्या है भाई हमने डाटा को कैसे दिखाया है इसको ग्राफ में दिखाया है और इसमें रेक्टेंगल हैं और रेक्टेंगल एक दूसरे के साथ क्या है इनमें कोई भी गैप नहीं है एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो ऐसा जो फॉर्म होती है डाटा को दिखाने की उसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा हिस्टोग्राम अब इसका सी पार्ट है वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इफ़ ए कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम ड्रॉन आउट फ्रॉम ए पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड अब आपको पता है कार्ड क्या होते हैं जिसको हिंदी में ताश बोलते हैं और ताश के पत्ते कितने होते हैं कार्ड्स टोटल होते हैं फिफ्टी टू इसने क्या भी रखा है फिफ्टी टू कार्ड हैं और हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमने किंग की तो किंग कितने होते हैं आपको पता है फिफ्टी टू कार्ड्स होते हैं एक से लेके थर्टीन तक कार्ड्स होते हैं और किंग को बोलते हैं थर्टीन ठीक है किंग जो तेरह नंबर का जो पत्ता होता है उसको क्या बोलते हैं हम किंग बोलते हैं और हर एक के चार चार पत्ते होते हैं हर एक के चार चार कार्ड होते हैं ठीक है चार किंग होते हैं चार क्वीन चार जैक ऐसे चार इक्के चार दुक्की चार तिक्की ऐसे होते हैं तो किंग भी कितने हो गए भाई चार हो गए तो अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने केस बने टोटल केस कितने बने कार्ड्स अगर हो तो 52 कार्ड्स हैं तो इसलिए टोटल केस कितने बन गए 52 तो टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स क्या आ गया 52 नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम अब फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या है हमारे फेवर में कितने हैं हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और किंग के कितने पत्ते होते हैं किंग के होते हैं भाई चार पत्ते ठीक है तो हमारे फेवर में कितने आ गए भाई फोर इसी की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है अब प्रोबेबिलिटी का आप फार्मूला देख लो एक बार वैसे तो हमने पहले भी किया हुआ है क्योंकि ये ब्रेन टीजर है दोबारा से ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ये फार्मूला आपने याद रखना है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जितने हमारे फेवर ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस फेवरेबल केस कितने हैं हमारे पास फोर और टोटल केस कितने हैं फिफ्टी टू तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो प्रोबेबिलिटी अब जो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी थी उसको हम बस फार्मूले में पुट कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग क्या आ गया भाई नंबर ऑफ़ फेवरेबल किंग कितने हैं फोर हैं और टोटल कितने फिफ्टी टू फोर बाय फिफ्टी टू या तो इसको ऐसे ही रहने दो अगर इसकी कटिंग करेंगे हम आगे तो हमारे पास आ जाएगा वन बाय थर्टीन ठीक है वन बाय थर्टीन हम आ जाएगा तो फोर बाय फिफ्टी टू है इसने दे रखा है तो हमारे पास आंसर आ गया फोर बाय फिफ़्टी टू अगर इसकी अगर हम कटिंग करना चाहते हैं तो कटिंग भी कर सकते हैं और अब इसका आ गया भाई डी पार्ट हिस्टोग्राम है हिस्टोग्राम के बारे में बता रखा है फ्रिक्वेंसी एज हाइट क्लास इंटरवल एज हाइट फ्रिक्वेंसी एज बेसिस फ्रिक्वेंसीज बोथ एज बोथ बेसिस एंड हाइट जो हिस्टोग्राम होता है उसमें फ्रिक्वेंसी को हम हाइट के तौर पे लेते हैं ठीक है जो भी फ्रिक्वेंसी है जो भी नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है उसको हम हाइट में लेते हैं और जो क्लास इंटरवल है उसको हम किस में लेते हैं भाई बेस में लेते हैं जैसे ये हिस्टोग्राम है दिखा देता हूँ आपको तो जैसे ये सैलरी इन रूपीज़ है ये क्लास इंटरवल है दो से लेकर पच्चीस सौ से लेकर तीन और ये नंबर ऑफ़ क्या है नंबर ऑफ़ वर्कर्स इसको बोलते हैं फ्रीकुनसी किसी भी चीज़ का नंबर ऑफ़ जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाए नंबर ऑफ़ वर्कर्स आ जाए ऐसा कुछ भी आ जाए तो नंबर्स ऑफ जो भी होएगा उसको हम हाइट में लेंगे तो यही इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि हिस्टोग्राम में क्या होता है भाई को हम एज हाइट्स लेते हैं तो ये हाइट है इसकी रेक्ट, ये हाइट है ठीक है तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा एज हाइट्स अब नेक्स्ट है द पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस फोर वन टू थ्री फोर अब अगर एक कोइन को जैसे एक कोइन होता है एक तरफ कोइन के हेड होता है आपको पता है और एक तरफ क्या होता है टेल होता है ये कह रहा है अगर इसको कॉइन को uh, टोस्ट ट्वाइस अगर उसको दो बार क्या करा जाए भाई उछाला जाए तो क्या होगा अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जैसे कॉइन है कॉइन में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है मगर इसको दो बार उछाला है तो कितने केस बनेंगे इसने ये पूछा टोटल आउटकम्स कितने होंगे मान लो पहली बार हमने सिक्का उछाला तो हमारे पास आ गया हेड और दूसरी बार सिक्का उछाला तो मान लो दूसरी बार भी आ गया हमारे पास हेड ऐसे हो सकता है पहली बार सिक्का उछाला आ गया हमारे पास टेल दूसरी बार सिक्का उछाला हमारे पास आ गया फिर से टेल तो एक केस ये हो गया दोनों बार हेड हेड आ सकते हैं दोनों बार टेल टेल आ सकते हैं तो ऐसे ही हो सकता है पहली बार टेल आ जाए दूसरी बार हेड आ जाए उछालने से और पहली बार हेड आ जाए और दूसरी बार टेल आ जाए तो टोटल केस कितने बनेंगे वन टू थ्री फोर तो हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका फोर अब इसका बी पार्ट देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ लेटर इज़ चूजन फ्राम द वर्ड प्रोबेबैलिटी वट इज़ द प्रोबिलिटी डेट इज इट इज़ ए वोवल अब ये हमें वर्ड दे दिया प्रोबेबिलिटी ही वर्ड दे दिया हमें और हमें इस इसकी क्या निकालनी है वोवल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी इस वर्ड्स में से ठीक है तो हम इस वर्ड में लेटर देखेंगे कितने हैं तो जब लेटर हमने काउंट करे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने लेटर बने ये इलेवन तो ये आ हमारे पास इसके टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम फिर लिखेंगे नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम हमने निकालनी है वोवल आने की प्रोबेबिलिटी वोवल आने की प्रोबेबिलिटी तो वोवल आपको पता है कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू ये होते हैं वोवल्स ठीक है और इसमें कितने बार वोवल्स आए हैं ओ वोवल है ए वोवल है आई वोवल आ, ये आई वोवल है और ए, ओ ए फिर ये आई आ गया और ये फिर से आई आ गया दो बार क्या आ गया हमारे पास आई आया है एक बारी ए और एक बारी ओ तो कितनी बार आया वन टू थ्री एंड फोर चार बार हमारे पास क्या आए हैं वोवल आए हैं और वोवल की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है वोवल कितनी बार आए हैं चार बार तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए फोर अब प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवल इज चूजिंग अ वोवल अगर वोवल की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ठीक है तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं फोर हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं इलेवन हैं आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अभी हमने किया था तो फ़ोर बाई इलेवन वोवल आने की प्रोबेबिलिटी है अब इसका बी का बी पार्ट देखेंगे हाइट ऑफ ट्वेंटी सेप्लिंग्स इन नर्सरी इज़ नोटेड एज अब छोटे छोटे पौधे हैं नर्सरी में ट्वेंटी पौधे हैं उनकी हमने क्या निकालनी है भाई फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट इन इनकी हाइट दे रखी है एक पौधा एटी सेंटीमीटर का है अगला पौधा सेवेंटी नाइन सेंटीमीटर का है ऐसे ये सारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं ट्वेंटी जो सेपलिंग्स हैं छोटे छोटे पौधे हैं उनकी हाइट है दे रखी है हमने इसकी रेंज निकालनी है जब भी आपने रेंज निकालनी है तो रेंज का फार्मूला होता है जब भी रेंज निकालनी है तो मैक जो भी हमें डाटा दिया हुआ है उसकी जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होती है उसमें से मिनिमम ऑब्जर्वेशन को हम माइनस कर देंगे तो हमारी रेंज आ जाएगी मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर देंगे जो भी ऑब्जर्वेशन है तो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन क्या है 128 और सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन क्या है 72 तो क्या करेंगे रेंज कैसे निकलेगा सबसे बड़ी में से सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन माइनस कर देंगे वन तो में से सेवेंटी को माइनस कर दिया हमारे पास रेंज आ गई फिफ्टी सेंटीमीटर अब इसका सी पार्ट देखो ए नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर और टेन नेचुरल नंबर हैं उसमें से एक नंबर को सिलेक्ट करना है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर बीइंग प्राइम अब वो नंबर कौन सा है प्राइम नंबर है ठीक है तो इसने टोटल नंबर हमें दे दिए नेचुरल नंबर दे दिए हमें कितने दे दिए पहले दस नेचुरल नंबर हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए टेन इसमें से ही हमने छाँटना है तो आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है वन से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन ये हमारे नेचुरल नंबर है तो हमारे टोटल टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए टेन हो गए ठीक है अब अब हमने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमने किसकी निकालनी है अभी प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसमें से प्राइम नंबर कितने होंगे पहले प्राइम नंबर को हम छाटेंगे चार प्राइम नंबर हैं इसमें से वन से लेकर टेन तक चार प्राइम नंबर हैं प्राइम नंबर आपको पता है पहला प्राइम नंबर टू है फिर उसके बाद प्राइम नंबर सेवन है फिर उसके बाद फाइव है उसके बाद ये टू के बाद थ्री था टू थ्री फाइव एंड सेवन तो चार प्राइम नंबर हैं आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है ऐसे नंबर जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते खुद से डिवाइड होते हैं और वन से डिवाइड होते हैं उनको प्राइम नंबर बोलते हैं या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जिसके दो जिसके मतलब आप ऐसे कह सकते हैं ये जो नंबर होते हैं प्राइम नंबर ये किसी के टेबल में नहीं आते ये सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं और वन से डिवाइड होते हैं जैसे टू है टू किसी के टेबल में नहीं आता टू टू से डिवाइड होएगा और वन से डिवाइड होएगा ऐसे थ्री थ्री से डिवाइड होएगा और वन से डिवाइड होएगा ऐसी फाइव फाइव से ही डिवाइड होएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा और वन से डिवाइड होएगा ऐसी सेवन है ठीक है तो प्राइम नंबर कितने हो गए फोर प्राइम नंबर की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्राइम नंबर हो गए हमारे पास फोर तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए फोर हो गए क्योंकि कितने थे भाई टू थ्री टू थ्री फाइव और सेवन ये चार प्राइम नंबर थे एक से लेकर दस तक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर बींग प्राइम तो क्या आ गया प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपको पता है क्या होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम फेवरेबल कितने हैं फोर और टोटल आउटकम्स कितने हैं टेन फोर बाय टेन ये प्रोबेबिलिटी आ गई अगर इसको आगे काटना है तो काट सकते हैं टू टू जा फोर टू फाइव जा टेन तो बाय फाइव हमारे पास क्या आगी? इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई नेक्स्ट क्वेश्चन है बी का डी पार्ट है ए सर्वे वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय ग्रुप ऑफ वन एटी चिल्ड्रन अब वन चिल्ड्रन हैं टोटल और वो स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं अलग अलग द डाटा वाज रिप्रेजेंटेड एज़ अ पाई चार्ट गिवन बिलो और इस डाटा को वन uh, एटी जो चिल्ड्रन हैं उसको दिखाया गया है पाई चार्ट की फॉर्म में कि कौन कौन से बच्चे कौन कौन सी बुक पढ़ते हैं तो ऐसे दे रखा है हॉरर बुक्स पढ़ते हैं फिफ्टी फिफ्टीन परसेंट एडवेंचर बुक पढ़ते हैं ट्वेंटी परसेंट फिक्शन वाली बुक्स पढ़ते हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट कॉमिक्स फिफ्टीन परसेंट डू नॉट रीड ऐसे बच्चे भी हैं जो कुछ नहीं पढ़ते टेन परसेंट मिथोलॉजिकल वो आ जाएगा फिफ्टीन परसेंट आप निकालना क्या है फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु रीड एडवेंचर बुक्स हमने निकालना है कि ऐसे बच्चे जो एडवेंचर बुक पढ़ते हैं वो बच्चे कितने हैं तो प्रसेंट में दे रखा है तो हमने पाई चार्ट में देख लिया एडवेंचर वाले तो कितने हैं भाई ट्वेंटी परसेंट बच्चे एडवेंचर की बुक पढ़ते हैं अगर ये पूरा हंड्रेड है परसेंटेज में दे रखा है तो ये पूरा हंड्रेड हंड्रेड में से ट्वेंटी बच्चे यानी कि अगर ट्वेंटी परसेंट का मैंने लिखना है तो ऐसे लिखूँगा ट्वेंटी बाय हंड्रेड इतना फ्रैक्शन में लिखूँगा तो वन बाय फाइव वन बाय टोटल का वन बाय फाइव क्या है भाई बच्चे एडवेंचर बुक्स पढ़ते हैं तो बिल्कुल इजी है तो अब इस वन बाई फाइव को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल से वन एटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा थर्टी सिक्स बच्चे ऐसे हैं जो क्या पढ़ते हैं अभी एडवेंचर बुक्स पढ़ते हैं तो चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को वैसे तो हो ही गया टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं वन एटी सबसे पहले हमने लिख लिया जो गिवन है फिर लिख लिया परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हु रीड एडवेंचर बुक्स क्योंकि हमने एडवेंचर का ही पूछा था इसने कि एडवेंचर बुक्स कितने बच्चे पढ़ते हैं तो ट्वेंटी दे रखा है तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हु रीड एडवेंचर बुक्स ट्वेंटी ऑफ वन ठीक है टोटल का ट्वेंटी परसेंट वन एटी का ट्वेंटी परसेंट ही एडवेंचर बुक पढ़ते हैं परसेंटेज को हटा दो ट्वेंटी बाई हंड्रेड परसेंटेज के नाम का हंड्रेड लग गया अब इसकी कटिंग कर देंगे तो हमारे पास आ गया थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं भाई एडवेंचर बुक पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बी का ई पार्ट फ्रॉम द अबव पाई चार्ट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन डू नॉट रीड स्टोरी बुक्स एट ऑल इसने पूछा फ्रैक्शन बताओ सिर्फ फ्रैक्शन बताना है जैसे कि इसका फ्रैक्शन कितना आया था ट्वेंटी बाई हंड्रेड यानी कि वन बाय फाइव आया था जैसे कि इसका एडवेंचर बुक का ऐसे ही ऐसे बच्चे बताओ जो कुछ भी नहीं पढ़ते उसका फ्रैक्शन बताओ तो जो कुछ भी नहीं पढ़ते वो कितने हैं डू नॉट रीड कितने टेन परसेंट कितने हैं टेन परसेंट इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो परसेंटेज प्र, हटा दो टेन बाई हंड्रेड यानी कि जीरो से ज़ीरो कट गई हमारे पास आ गया वन बाई टेन तो वन बाई टेन ऐसे बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते रो कर लेते हैं इसको परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हु डू नॉट रीड स्टोरी बुक्स एट ऑल टेन परसेंट फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में चेंज करना है इसको परसेंट को कर सकते हैं आसानी है फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन डू नॉट रीड स्टोरी बुक्स एट ऑल इसको परसेंटेज को हटा दो टेन बाय हंड्रेड जीरो से ज़ीरो कट वन बाय टेन फ्रैक्शन ऐसा है जो क्या कोई भी बुक नहीं पढ़ते डो नॉट डो नॉट रीड ठीक है